हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ मलाई से घी कैसे निकाले, वो भी बहुत ही सिंपल रेसिपी बताऊँगी, बहुत इजी, जो बहुत ही जल्दी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दूध लेना है। अगर आप लोग के पास दूध हो, जैसे कि आप लोग अगर डेयरी से मंगवाते हो तो उसमें तो बहुत ही कम मलाई पड़ता है। मेरे पास जो जो प्रॉपर गाय का दूध होता है वो वहाँ से आता है मेरे यहाँ। तो हमारे यहाँ 2-3 लीटर का है ये। तो सबसे पहले आप लोग को उसे बॉयल करना है, उसके बाद उसे छोड़ देना है रात भर के लिए। तो ये मैं सुबह में ये निकाल रही हूँ मलाई, तो ऐसा मलाई पड़ जाएगा उस पर। तो देख सकते हो कितना थिक हमारे यहाँ का मलाई, सब गाय का अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता है मलाई। तो देख सकते हो मैं पूरे रात भर छोड़ दी थी फ्रीज के अंदर, और फिर ये ऐसा हो गया मलाई। तो इसे आप लोग को एक कटोरी में निकाल लेना है अच्छे से, तो साइड साइड से भी लगा होता है तो निकाल लेना है आप लोग को। इसके बाद देख सकते हो गाइस, ये मेरा एक दिन का है। फिर इसके बाद गाइस, इसमें एक चम्मच दही, अगर आपके पास हो तो दही का जोड़न इसमें आप लोग डाल सकते हैं। और इसके बाद आप इसे फ्रीज में रख दीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठंडा हो तो आप 1-2 दिन स्टार्टिंग में बाहर रखिएगा, ताकि आपका मलाई कड़वा ना हो। अगर कड़वा हो जाएगा तो फिर बाद में हमारा वे खाने लायक नहीं बचता है, उसे फेंकना पड़ता है। अगर आप गर्मी में मलाई निकाल रहे हो तो मलाई को फ्रीज में रखिएगा, नहीं तो मलाई ख़राब हो जाएगा। तो गाइज देख सकते हो, ये कुछ हमारा 10 दिनों में, मतलब कि इतना हमारे यहाँ मलाई हुआ है। तो अगर आपके यहाँ अगर कम दूध आता हो तो आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि बहुत ही टाइम लगता है इसको, और रोज़ निकाल के रखना, रोज़ मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगता है। लेकिन अगर आप लोग को एकदम शुद्ध देसी घी खाना है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद गाइस देख सकते हो, इतना कुछ हो गया। तो मैंने एक बड़ा कंटेनर में इसे शिफ्ट कर लिया। और तो अगर आपके पास उसे, हम लोग जो लकड़ी का है इसे रही बोलते हैं, अगर वो ना हो तो आप करछू से भी निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने करछुल आप लोग को दिखाया। और गाइस, अगर आप गर्मी में इसे निकाल रहे हो तो फ्रीज से निकालते ही आपको इसे मतलब इसे चला के मुँह देना है, नहीं तो अगर आप ठंडा में फ्रीज से निकालते ही करोगे तो ये बहुत ज़्यादा जम जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। बहुत ही ये जम चुका था और ये मेरा वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने अभी अभी इसे फ्रीज से निकाला था। तो मैंने इसे कुछ देर चलाया और फिर कुछ देर मैंने बाहर इसे छोड़ दिया, ताकि ये थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाए, ताकि अच्छे से ये चल पाए। तो देख सकते हो गाइज, अभी चलाने के बाद कुछ इतना हुआ है, जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गर्मी और ठंडा में आप कब निकाल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो मलाई हमने निकाल लिया है। तो अब इसे मैं थोड़ा सा और चलाती हूँ, ताकि जो भी बचा उचा रहे मलाई वो भी निकल जाए। तो आप अगर ये गोल वाले से जो हम लोग रही इसे बोलते हैं, अगर आप इसे निकालते हो तो इससे काफ़ी अच्छा निकल जाता है, और इससे ज़्यादा वो एंड में जाके वो निकलता है, जो दाढ़ी जिसे हम लोग बोलते हैं वो नहीं हो पाता है, और ज़्यादा घी निकल जाता है। तो देख सकते हो मैंने इसे मलाई को साइड कर लिया, क्योंकि हमारा पूरे अच्छे तरीके से मलाई निकल चुका है। अब इसमें हम लोग ठंडा पानी डाल रहे हैं। आपको गर्मी में भी ठंडा ही पानी डालना है, और ठंडा में भी ठंडा ही पानी डाल के मलाई को निकालना है, ताकि जो भी उसमें आप पानी डालो तो अच्छे से मलाई स्टिक हो जाए, और अच्छे से बाहर आप निकाल के एक दूसरे कंटेनर पे रख पाओ। तो इसीलिए आप लोग को ठंडा ही पानी डालना है, एकदम फ्रीज का निकला हुआ। मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था तो थोड़ा सा आइस जम गया था, तो मैंने अभी थोड़ा सा इसे पिघलाया, उसके बाद मैं इसे इसमें डाल रही हूँ और इसे निकाल रही हूँ। तो देख सकते हो गाइस, ये निकल चुका है हमारा इतना। फिर इसे अच्छे से निकाल के एक दूसरे कंटेनर में रख लेना है। आप चाहो तो इसे एक दो बार और पानी से रख कर वो कर सकते हो, ताकि इसके अंदर का पूरा निकल जाए। तो मेरा 2 लीटर दूध का इतना निकला है मलाई, तो आप लोग देख सकते हो, और ये हमारा वे निकल गया। तो आप इसे बहुत कुछ कर सकते हो, आप इसे छाछ बना सकते हो, आप इसे लस्सी बना सकते हो, बहुत कुछ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर छाछ का वीडियो देखना है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने इसका भी बनाया है। तो इसके बाद आप लोग को एक कंटेनर में उसे रखना है, उसके बाद गैस को ऑन करना है और इसे रख देना है मेल्ट होने के लिए मलाई को। और हाँ, आपको अगर आप एकदम हाई फ्लेम पर इसे रखते हो तो आपको वहीं पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उबाल भी मारता है और नीचे मलाई पकड़ भी लेता है, तो वो जलने लगता है। तो इसीलिए आप लोग को वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि आपका मलाई जले ना।
तो देख सकते हो गाइज, ये मैंने इसे अच्छे से बिल्कुल वहीं पे खड़े हो गया। अगर आप लोग वहीं पे मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना चाहते हो तो आप लो फ्लेम करके जा सकते हो और थोड़ी थोड़ी देर पे आके इसे चला। आप लोग देख सकते हो इसमें येलोइश कलर आने लगा है। जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे, जब तक डार्क येलोइश ना हो जाए, तो देख सकते हो ये कलर आने लगा है। आप इसे कंटिन्यूसली चलाइएगा ताकि ये जले ना। तो गाइज़, बहुत लोग बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि घी निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आप लोग देखिएगा, एक तो पहले आप लोग को कलर दिखेगा बिल्कुल डार्क येलोइश हो जाएगा, फिर उसके बाद आप चलाइएगा तो वो मलाई बिल्कुल मेल्ट हो चुका होता है और बिल्कुल नहीं बचा होता है नीचे में। तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हो कि एकदम मतलब आपका हो गया कि नहीं हुआ। तो देख सकते हो गाइज, हमारा रेडी है बिल्कुल देसी घर का घी। और गाइज, जो आप नीचे में जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है, बहुत लोग उसे फेंक देंगे, उसे फेंकना नहीं होता है, वो आप दाल चावल के साथ खाइएगा, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ इसे तो दाढ़ी बोलते हैं, हाँ आप लोग के यहाँ नहीं पता मुझे इसे क्या बोलते हैं। अगर गाइज कभी आप लोग ने ये मेथड ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।